बंद करने के बारे में सोचता है, अन्यथा महिलाएं चिल्लाने में माहिर होती हैं और कोई भी उनकी आवाज़ सुन लेगा, लेकिन दरवाज़ा बंद होने पर किसी के कुछ भी पता नहीं चलेगा। किंग कहता है कि उसे डर नहीं लगा, लेकिन सभी लोग बाहर इकट्ठा हो जाएंगे और ऐसा ही होगा। बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं, जबकि गोलियां भी बहुत कीमती हैं। राजा राखी को प्रीता के हाथ बांधने का आदेश देता है, लेकिन राखी मना कर देती है। जब राजा उसकी ओर बढ़ता है और पूछता है कि क्या वह सोचती है कि वह उसे पसंद करता है या उसे अपनी माँ या बहन के रूप में सम्मान देता है, और क्या उसने कभी सोचा था वह उसके किसी भी बुरे व्यवहार को सहन नहीं करता है। वह उसे मारने जा रहा है और यह उसके दिमाग को खाली कर देगा, क्योंकि उसके दिल में कोई प्यार या भावना नहीं है। वह कहता है कि यहाँ संपत्ति के कागजात के लिए आया था, लेकिन प्रीता उन्हें सौंपने के लिए तैयार नहीं है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह सुनिश्चित करेगा कि वह जीवन में कुछ और नहीं कर पाए। किंग प्रीता से कागजात नहीं मिलने पर राखी को प्रताड़ित करने की भी धमकी देता है। राखी जवाब देती है कि उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि वह उसकी बातें अनुरोध स्वीकार करेगा या उसके प्रति सम्मान भी रखेगा, इसलिए वह वास्तव में एक बुरा व्यक्ति है। उसका मानना है कि कोई भी अपने तरीके से सुधार सकता है, लेकिन यदि वह उनमें से एक नहीं है तो किंग उसे मारने की धमकी देता है। प्रीता अभी अगर राखी उसके हाथ नहीं बांधती तो किंग कहता है कि वह यहाँ संपत्ति के कागजात के लिए आया है, जिसके लिए उसने किसी के साथ सौदा किया है, जबकि वह एक के खिलाफ 5 गोलियां मारने जा रहा है। प्रीता कहती है कि वह समझ नहीं पा रही है कि उसके बाद उसे क्या मिलेगा। उन्हें मारना उनके पास बस है, एक जिंदगी उसने इतने बुरे काम किए हैं तो अब सोचना चाहिए कि क्या खुशी से रह पाएगा। राजा पूछता है कि क्या वह एक व्याख्यान तैयार करके आते हैं, और इसका एक सरल जीवन नियम है कि किसी को अपने लाभ के लिए स्वार्थी होना चाहिए। वह प्रीता को गोली मारने की धमकी देता है यदि राखी ने उसके हाथ नहीं बांधे। राखी उसके हाथ बांधने के सहमत हो जाती है और फिर बाहर निकलना शुरू कर देती है। बैग की रस्सियाँ जिससे वह प्रीता के हाथ बांध रखी है, लकी के साथ चलते समय वरुण पूछते हैं कि उनका बॉस कौन है। वह समझाते हुए कि यह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो परिवार का बहुत करीबी है और उनके बारे में जानता है। लकी पिछला दरवाज़ा खोलता है, जब अंशुमन पांडे तुरंत उस पर बंदूक तान देता है। वरुण कहते हैं कि पहले से ही उनके पक्ष में है और बहुत मदद कर सकते हैं। अंशुमान कहते हैं कि सबसे पहले उस कोई उनकी मदद करने के लिए आया था, लेकिन अब वह लूथरा परिवार के साथ खड़े हैं। वरुण कहते हैं कि अंशुमान सोच सकते हैं कि वह लूथरा परिवार के साथ हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, और यही कारण है कि उनकी बेटी से शादी कर रहा है। अंशुमान का कहना है कि अब वह वरुण की असली उद्देश्य को समझ सकते हैं, इसलिए पैसा ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसके लिए वे काम करते हैं, जबकि अगर उनके पास कोई पैसा नहीं है तो यहाँ तक कि उनका अपना भी नहीं है, लोग उन्हें छोड़ देते हैं। सबसे पहले अंशुमान वरुण का अपनी तारीफ से स्वागत करते हैं, लेकिन फिर तुरंत उस पर बंदूक तान देता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।